नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं जैविक खेती के ऊपर बात करने वाला हूँ। उसका पहला भाग आज मैं लेकर आया हूँ। हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो किसान भाई हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल सिंपल जितना हो सके वो कर समझाने की आपको कोशिश करूँगा। और जो कम पढ़े लिखे किसान भाई हैं, वो पहले से ही जो केमिकल फार्मिंग करते आ रहे हैं, जैसे कि वो उनके दिमाग में ये सेट हो चुका है भी इतने जो बैग है DAP डालनी है, इतना हमें पोटास डालना है, इतना यूरिया डालना है, और रोगों को बचाने के लिए ये प्रकार के कीटनाशक हमें वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज वो जो चीज़ें हैं वो आपकी आज काम कर रही हैं, लेकिन आने वाले कई सालों के बाद जैसे जैसे आप केमिकल आज डालते जा रहे हो, इसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो डे टू डे बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा कई साल पहले जितनी आप DAP यूरिया पोटास डालते होंगे, आज उसके मुकाबले में ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में आप इससे भी ज़्यादा डालेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसी तरह करते रहें तो आप इस पूरा जो जाल है इसके अंदर फंस जाएंगे और आपकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी और मुनाफा आपको जो मिल रहा है उतना ही मिलने वाला, क्योंकि उतनी पैदावार करने के लिए आपको फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे पहले कि वो दिन आए, तो आज से ही हमें इस पॉइंट के ऊपर, इस बात के ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। हमें जो नेचुरल फार्मिंग है, जो प्राकृतिक जो खेती है, उसको अच्छी तरीके से हमें समझना होगा। समझेंगे जो सही सूचना हमारे दिमाग के अंदर जाएगी, तभी हम उसके ऊपर भरोसा कर पाएंगे, तभी हम उसको हम प्रैक्टिकल हमारी इस खेती के अंदर लेकर आ पाएंगे। तो मेरा वही मोटिव है कि मैं आपको खेती का पूरा बेसिक, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का पूरा बेसिक मैं आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ों को समझना होगा कि हमारी ज़मीनों के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, जो जीवाणु है, वो लगभग अब ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो हम केमिकल हमारे खेतों के अंदर डाल रहे हैं, DAP पोटास, जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों के अंदर, उसका 30% ही आपकी जो फसलें हैं उनको उपलब्ध हो पाता है। बाकी का 70% नीचे ज़मीनों के अंदर सेट हो जाता है। सेट होने के बाद आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि वो जो हमारी ज़मीनें हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। जब वो ज़मीनें आप पानी, जब आप सिंचाई करते हैं, कुछ दिनों के बाद जब वो लैंड आपकी सूख जाती है, तो आप अगर उसके अंदर कस्सी भी चलाकर अगर आप देखोगे तो वो भी नहीं चलेगी, हाथ भी अंदर नहीं जाएगा। तो इतनी ज़्यादा ज़मीनें जो सख्त होने का जो कारण है वो है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की वजह से जो जीवाणु हैं हमारे ख़त्म हो चुके हैं। जीवाणु ख़त्म होने के कारण, ज़मीनें सख्त होने के कारण, इसके अंदर रसायन ज़मीनों के अंदर बढ़ जाने के कारण जो हमारे केंचुए हैं वो भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। कुछ गिनती में अगर बचे हैं तो वो ज़मीनों के 4-5 फुट नीचे चले गए। इतने फुट नीचे जाने के बाद वो हमारी फसलों के लिए, हमारी ज़मीनों के लिए अब उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो सबसे पहला जो कारण होता है नेचुरल फार्मिंग का, जो प्रकृति ने हमें जो वरदान दिया था, जिसे हम जीवाणु, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है फसलों का, नीचे ज़मीन का, उसको डीकम्पोज करके खादों में परिवर्तन करते हैं, और वो भी ज़मीन को डीकम्पोज करके खाद में परिवर्तित करते हैं। उसकी वजह से ज़मीन जो मुलायम हो रहती है, केंचुओं की जो संख्या है वो बन पाती है, और जब केंचुए
हमारी ज़मीन के अंदर होंगे, तो वो केंचुए जब जब ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं ज़मीन के, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीनें हमारी बिल्कुल मुलायम रहती हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो काम होगा कि हमें ज़मीनों को बैक्टीरिया उपलब्ध कराना है जो अब ख़त्म हो चुके हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेशनल सेंटर ऑफ गाजियाबाद की एक संस्था है, उन्होंने एक एक बॉटल तैयार की है जिसका नाम है वेस्ट डिकम्पोजर। उसके अंदर हर तरीके के वो बैक्टीरिया हैं जो हमारी ज़मीनों को चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम ज़मीनों को बैक्टीरिया उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक बैरल पड़ा हुआ है, इस वेस्ट डिकम्पोजर को आपको सबसे पहले तैयार करना है। तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो 200 लीटर का बैरल है, इसको पूरा फुल हम पानी से भर लेंगे और 100 लीटर प्रति किलो के हिसाब से हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे, यानी 2 किलो इसके अंदर गुड़ हो गया। फिर गुड़ डालने के बाद हम एक बोतल जो नेशनल सेंटर ऑफ गाजियाबाद की जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से ये जो गुड़ है इसको अच्छी तरीके से इसको अंदर घोल लेना है। घोलने के बाद ये 3 या 4 दिन के बाद आपके सामने जो ये लिक्विड जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये ऐसा हो गया, तो इसका मतलब जो आपका वेस्ट डिकम्पोजर है वो अब तैयार है। तो जितनी भी आप अपने खेत के अंदर सिंचाई करोगे, उस प्रत्येक सिंचाई के साथ 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको हर सिंचाई के साथ इसको देना है। तो जब आप 4-5 सिंचाई जब करोगे, तो आपके अंदर एक एनफ अमाउंट के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीव है, वो हमारी ज़मीन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये हमारे किसान भाइयों का सबसे पहला स्टेप रहेगा। अब जब हमारे जीव इसके अंदर आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव, उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर जो भी पोटास, फास्फोरस, जितने भी जो मैंने आपको बताया था, जितने भी आपने फर्टिलाइजर इसके अंदर डाले हैं, वो 30% फसलों को उपलब्ध होते हैं, बाकी ज़मीनों के अंदर सेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन सख्त हो चुकी है। वो जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो उनका बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें सख्त हुई है, वो सबसे पहले बैक्टीरिया आके उन बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो बाकी हमारे ज़मीन के अंदर जो भी वेस्ट होगा, उस वेस्ट को डीकम्पोज करके खाद में परिवर्तन कर देगा। तो बाकी का जो केमिकल मटेरियल हमारा ज़मीनों के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि फसलों के कोई काम नहीं आ रहा, अब वो भी फसलों को उपलब्ध हो, और धीरे धीरे आप देखोगे जो हमारी जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसका जो केमिकल और फिजिकल जो कंडीशन है, वो दोनों धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद इसको महसूस करेंगे कुछ महीनों के बाद। आपकी ज़मीन पहले बहुत ज़्यादा सख्त थी, वो कुछ महीनों के बाद इतनी मुलायम हो जाएगी कि आप अपने हाथ से पानी लगाने के बाद, कुछ दिनों के बाद जब आपकी ज़मीन सूखेगी, तो आप हाथ से आराम से उस ज़मीन को उठा लेना, इतनी मुलायम ज़मीन हो जाएगी। जब आपके बैक्टीरिया ये काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे जैसे ही आपकी ज़मीन मुलायम होगी, जो नीचे केंचुए हैं वो वापस आपकी ज़मीन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ज़मीन के अंदर जब वापस स्टार्ट होंगे, तो वो जो पड़ा हुआ वेस्ट है उसको खाएंगे और खा के उसकी खाद बनाएंगे, और फिर वो ऊपर नीचे ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन अब बिल्कुल मुलायम और नेचुरल हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम हमारी जो ज़मीनें हैं, जो मिट्टी है, उसको हम वापस से बैक्टीरिया उपलब्ध कराएं। तो जो किसी किसान भाई को अगर वेस्ट डिकम्पोजर की ये बोतल आपको ख़रीदनी है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हमने जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, उसको हमने हमारी ज़मीनों को उपलब्ध करवा दिया। दूसरा काम, जो भी हमारी फसलों का वेस्ट होता है, हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं निकालने के बाद कंपाइन के थ्रू जो निकालते हैं, बाकी का नीचे जो वेस्ट बचता है हम उसको जला देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम वहाँ पे करते हैं।
मैं आपको बता दूं कि उस वेस्ट के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि जो जो वेस्ट होता है उसको खा के जो हमारे घरों के अंदर जानवर हैं वो भी जिंदा रहते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पोषक तत्व उपलब्ध है। तो आप क्या करोगे, किसी यंत्र की सहायता से उसको अच्छी तरीके से मिट्टी में आपको मिला देना है। तो मिट्टी के अंदर आपने सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध करवाए हुए हैं, केंचुए उसके अंदर हैं, तो वो अब अपना काम करेंगे। उनको फ्रेश वेस्ट मिलेगा तो वो उसको डीकम्पोज करके आपको खाद के अंदर परिवर्तन कर देंगे। तो आपका ये एक एक्स्ट्रा खर्च, जो एक एक्स्ट्रा जो सरदर्दी थी वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपको वेस्ट को जलाना नहीं है, इसको अपनी ज़मीन के अंदर ही रखना है। यही आपको खाद, बैक्टीरिया जो केंचुए हैं ये आपकी ज़मीनों को उपलब्ध करवा के देंगे। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जो जानकारी है ये अपने आराम से इसको समझो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो। ये जैविक खेती का भाग फर्स्ट है, सेकंड भाग मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसको इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।